हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने चैट जीपीटी पे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि चैट जीपीटी अपनी एप्लीकेशन में आप कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी को कैसे कैसे इस्तेमाल करके अपने टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चैट जीपीटी, पहले तो हम आपको बता चुके हैं, एक मॉडल है। तो यहाँ भी मकसद वही बताया हुआ है कि एक वर्सेटाइल लैंग्वेज मॉडल है जिस आप भी यानी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि टेक्स्ट कंप्लीशन से मुराद ये कि आपका कोई भी एक टेक्स्ट है, यानी या आप सब उसे की एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप या लेटर लिख रहे हैं तो आपका इनकम्प्लीट है, तो आप वो इसको प्रॉम्प्ट में दें तो ये आपको कंप्लीट करके दे देगा। ठीक है। इसी तरह समराइजेशन में, यानी अगर आपको कोई भी एक लॉन्ग पैसेज है या कोई भी यानी लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है और आपने अगर उसमें से कोई यानी की पॉइंट्स निकालने हैं, कोई की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो आप पैसेज इसको दे दें प्रॉम्प्ट में, तो ये आपको उसमें से वो की इंफॉर्मेशन पॉइंट या की पॉइंट्स निकाल के दे देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कोई सपोज लेटर या एप्लीकेशन लिखी है और आपको उसकी वर्डिंग थोड़ी सी मकसद लग रहा है कि यार कुछ और भी हो सकता है इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी, ठीक है, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉलेज ट्रैवल मीन्स, यानी देखिए आपके पास जो है कोई भी नॉलेज लेनी हो, यानी कोई किसी भी चीज़ की, चाहे आपने कोई जनरल नॉलेज लेनी हो या कोई टेक्निकली नॉलेज लेनी हो या आपने कोई और फर्दर क्यूरी करनी है तो वो आप इससे करवा सकते हैं। ये आपको उसका डेटा प्रोवाइड करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। टास्क ऑटोमेशन मीन्स ये यहाँ पर जो है जितने भी आपके टेक्स्ट बेस्ड टास्क हैं उसको कंप्लीट कर सकता है। लाइक जैसे कि मैं पहले भी एक एग्जाम्पल दी, आपने लेटर वगैरह राइट करना है तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट्स के मैं पहले भी मकसद बता चुका हूँ कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा और मकसद मैं आज दोबारा इसको बता देता हूँ। जैसे कि आपने सपोज मेरी एक शेड्यूल, दिन का शेड्यूल डिज़ाइन करना है तो मैं खुद से मकसद टाइमिंग वगैरह मैनेज करने के बजाय मैं इसको अपनी सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट में दे दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि आपने 9 से 10 में ये करना है, 10 से 11 में ये है, 11 से 12, ये पूरा एक शेड्यूल दिन का डिज़ाइन करके या डिफाइन करके आपको दे देगा। तो ये सारे काम आप इस चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक मकसद है, मैंने आपको समराइज करके बता दिया कि आप कहाँ कहाँ मकसद इसको मकसद कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्ट रहें। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको और अच्छी वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।